हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एमआर चौहान, फिजियोथेरापिस्ट। आज की सीरीज़ में आपको सिखाने जा रहा हूँ नी रिप्लेसमेंट। जिन्होंने अपने घुटने बदलवा रखे हैं तो ये वीडियो आपका है, आपके लिए बना है, और आप जो है इसको लास्ट तक देखें, मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और मेरे साथ बने रहें। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ नी रिप्लेसमेंट की बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आप घर पे कर सकते हैं। तो आइए हम करते हैं शुरू नी रिप्लेसमेंट एक्सरसाइजेज। सबसे पहले हम अपनी क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे। क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, इन मसल्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है इसमें। और आइए हम करते हैं एक्सरसाइज शुरू। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिसेप्स के लिए कोई भी अपना पिल्लो या कोई बेड शीट का रोल बना लें, या फिर अपना कॉटन रोल होता है, इसको अपने घुटने के नीचे रखेंगे और इस पैर को दूसरे पैर को मोड़ के रखिएगा। इसको हम बैठ के और लेट के दोनों उसमें कर सकते हैं। तो हम चलो अब लेट के करते हैं। अब हमने जो रोल जो रखा है इसको अपने घुटने से प्रेस करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन रिलैक्स। अब इसको हम ढीला छोड़ देंगे, 10 गिनने तक इसको हम रेस्ट देंगे और 10 सेकंड इसको होल्ड करना है। और इस तरीके से इसको 3 सेट करने हैं और दिन में 2-3 बार ये एक्सरसाइज करनी है। जो मैं बता रहा हूँ ये सारी दिन में 3 बार एक्सरसाइज करनी है। इसी तरीके से हम फिर रिपीट करेंगे। इसमें हमारा जो है आगे का पंजा ये उठेगा, उठना नहीं चाहिए। फिर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन रिलैक्स। अब इसको फिर हम रिलैक्स कर देंगे। तो दूसरी एक्सरसाइज इसी में ही हम जो है घुटने से थोड़ा ऊपर ले आएंगे, थाई के नीचे इसी रोल को। अब हमें क्या करना है, अपनी थाई से इसको प्रेस करना है नीचे और इसमें हम पैर हमारा ऊपर उठेगा। हम किया, अब हमने थाई से इसको नीचे दबा दिया, अपना पैर घुटने से नीचे का पैर अपना जो है पंजा ऊपर उठ गया। अब इसको पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन रिलैक्स। इसी तरीके से इसको 10 गिनने तक होल्ड करेंगे, 10 सेकंड इसको रेस्ट देंगे और इसी तरीके से 10 बार रिपीट करेंगे, 3 सेट करेंगे। सुबह, दोपहर, शाम की एक्सरसाइज हम करेंगे। हम उस दौरान जब हमारे को फर्स्ट डे से लेके और 21 दिन तक या महीने तक हमें अपने फिजियोथेरापिस्ट की सहायता लेनी होती है, तो हमारे फिजियोथेरापिस्ट में हमारे साथ ये सारी एक्सरसाइजें आपको कराएंगे और आप भी अपने आप ही एक्सरसाइज करेंगे। तो फिर हम ये करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज में हम अपने रोल को जो है एडी के नीचे यहाँ रखेंगे और अब हम इसको नीचे को प्रेस करेंगे। अब एडी को नीचे प्रेस करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। फिर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे कि हम दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख लेंगे। तो हमें अपने ग्लूट्स हैं उन ग्लूट्स की एक्सरसाइज करनी है दोनों हाथों को, ताकि हमें अपने प्रेशर का पता लग जाएगा। तो इसमें हम अब ग्लूट्स को नीचे को अपने ग्लूट्स को खींचेंगे अपने अंदर की तरफ, यानी टॉयलेट का जो रास्ता है उसको हम अंदर की तरफ सिकुड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमारे ग्लूट्स काम करेंगे उसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, होल्ड कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और इस रोल को या पिल्लो को इसके बीच में लगाएंगे दोनों घुटनों के,
और इसमें हमारे अडक्टर की एक्सरसाइज हो जाएगी, स्ट्रेंथनिंग। तो इसमें हम दोनों घुटनों को आपस में दबाएंगे, अपने पिल्लो को दोनों घुटनों से दबाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम दोनों आगे नीचे पैरों में नीचे लगा देंगे इसको, और अब हम नीचे से दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से इसको 10 बार रिपीट करेंगे, 10 गिनने तक होल्ड करेंगे, 10 गिनने तक इसको रेस्ट देंगे, 3 सेट करेंगे, दिन में 3 बार ये एक्सरसाइजें करेंगे। तो ये हमारे को अडक्टर की स्ट्रेंथनिंग के लिए करा हमने, हमारे अडक्टर अबडक्टर का भी अहम रोल है इसके अंदर। जैसे ही हम कई बार कोई पेशेंट होता है वो क्या करता होता है, इसको अपने हाथों से ऐसे पकड़ेगा और इसको उठा के ऊपर लेके आएगा, क्योंकि हमारे ये मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं इसलिए वो दिखते हैं। तो ये एक्सरसाइजें हम जब करेंगे तो प्रॉपर मसल्स हमारे काम करने लग जाएंगे, जिससे कि हमें ये प्रॉब्लम में नहीं आएगी। अब इसके बाद हमें करनी होती है मोड़ने की एक्सरसाइज। अब इसमें अपना आराम आराम से इसको हम मोड़ेंगे, ये स्लाइडिंग करके लेके जाएंगे और लेके आएंगे, और अब इसको जितना जा रहा है वो लेके जाएंगे, थोड़ा और खींचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम इसको 10 गिनने तक हम रोकेंगे, 10 बार इसको, 10 से 15 बार इसको रिपीट कर देंगे। अब हम अपने नीचे जो हमारे पंजे हैं, एंकल ज्वाइंट है, उसको अपने अंदर की तरफ हम खींचने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर खींचेंगे, 1 2 3 4 5, फिर हम इसको कुछ ये करेंगे, पंपिंग करेंगे। पंपिंग करने से हमारी जो है जो नीचे का जो इंचे सोजिश वोजिश जो भी होती है वो हमारी ठीक हो जाएंगी, ब्लड का सर्कुलेशन इसमें बढ़ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपने अपने पंजे को अंदर की तरफ हमें खींचेंगे, इसमें हमारे काफ मसल्स की और इसकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हमें हमारा पटेला, अब ये लगा मान लीजिए हमारा ये पटेला यहाँ पे है, ये हमारा पटेला है, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसकी भी हमें मोबिलाइजेशन करनी है पटेला की। तो पटेला की मोबिलाइजेशन के लिए हमें इधर से ये अपना रखा अंगूठा और इसको इधर राइट साइड में हम इसको हम राइट साइड में प्रेस करेंगे, दूसरे हाथ से हम इसको लेफ्ट में प्रेस करेंगे और 5 काउंट करेंगे, फिर इसको हम राइट साइड में करेंगे, इससे लेफ्ट में करेंगे। अब हमारे उस दौरान यहाँ पे स्कार होता है, हमारा जब नी रिप्लेस होता है तो यहाँ पे स्कार होता है, यहाँ पे इंसीजन दिया जाता है, तो इसमें हम यहाँ से पकड़ के ऊपर और नीचे ये हम इसकी मोबिलिटी करेंगे पटेला की। तो ये हो गया। हाँ, ध्यान रखें सारी एक्सरसाइजें करने के बाद में हमें आइस पैक ज़रूर लगाना है। आइस पैक किसी भी टॉवल में रोल करके और उसको बना के और अपने यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे और दूसरे किसी चीज़ से उसको बांध के रख देंगे, ताकि जो भी हमारी जो इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। और उसके बिना भी हम इसको 3 बार तो करना ही करना है, एक्सरसाइज के बाद भी करना है, और 3 बार हमें आइस पैक इसके ऊपर ज़रूर लगाना है, 10 मिनट कम से कम। नेक्स्ट एक्सरसाइज, उल्टा लेट के कोई भी एक्सरसाइज ना करें, किसी भी चीज़ घुटने को बहुत ज़्यादा प्रेशर से मोड़ने की कोशिश ना करें, और 21 दिन और उसके बाद हमें स्टिक ना छोड़ें जब तक हमारा सर्जन नहीं बोल देता है। हमारे सर्जन की गाइडेंस लेते रहें, और जो आपका फिजियोथेरापिस्ट आपको एक्सरसाइज करा रहा है जैसे वो बोलता है उसके अनुसार ही हमें चलना होगा, कोई गलत स्टेप ना ले लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हमें अपने आप इसको मोड़ने की कोशिश करनी है नीचे को, फिर हम इसको ऊपर उठाएंगे, 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपने वॉकर के साथ करेंगे, ना वॉकर ले लेंगे और वॉकर के साथ हम अपने पैरों को बराबर रख के और ये हम इतना सा इसके अंदर अपन मोड़ेंगे, इससे भी हमारी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग होएगी, मुड़ने में सहायता होगी। इसको हम 5 सेकंड तक वन टू थ्री फोर फाइव रखेंगे। पीछे से आपको दिखाता हूँ कैसे, वन टू थ्री फोर फाइव। नेक्स्ट हम अपने पैर को अबडक्शन में लेके जाएंगे, यहीं पे हम अपने घुटने का फ्लेक्शन करेंगे, जितना जा रहा है लेके जाएंगे, वेट बियर भी हो जाएगा। ये एक्सरसाइज, और इसके बाद में हम लेटने के बाद में हमारा थेरेपिस्ट भी इस पे कोशिश करेगा और बाकी हम भी अपना ऊपर यहाँ लगाएंगे, नीचे थोड़ा नीचे। अब हम इसको अपने स्लाइडिंग अपने आप भी करेंगे इसको एक्टिवली, इससे थोड़ी सी सपोर्ट हम देंगे, जहाँ पेन होता है वहाँ रुक जाएंगे। 10 काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब हम अपने पैर को उठाने की कोशिश उठाएंगे, लेग रेज करेंगे। अब एकदम कई बारी क्या होता है कि हमारे काफ़ी पेशेंट ऐसे करते हैं, वो वीक तो होते हैं क्वाड्रिसेप्स, वो क्या करता है यूं करके उठा लेता है, तो ये गलत है। इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे को ऐसे अपना पूरा खींच के, पैर को घुटने को पंजे को थोड़ा खींच के, फिर इसे ऐसे करके उठा के लेके आएंगे और 30 डिग्री पे इसको रोकेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, जितनी देर हम 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड इस तरीके से इसको करते हुए बढ़ाते आएंगे, 10 सेकंड तक इसको ले आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें अबडक्शन के लिए, हमें ऊपर उठाया और ये तो हम ये एक्सरसाइज करेंगे। वैसे तो मैं वीडियो को और भी काफ़ी इसको बढ़ा सकता हूँ, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, मेरे इसके अंदर कोई भी अगर वो थोड़ी बहुत कमी रही होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इस थोड़ा सा प्रिकॉशंस बता देता हूँ। घुटने के बल ना बैठें, उकड़ू ना बैठें, अलाथी पलाथी चौकड़ी ना लगाएं, और जैसे हमारा सर्जन हमारे फिजियोथेरापिस्ट हमें बोलते हैं उनकी बात मान के उनके तरीके से चलें। और बिल्कुल ये एक्सरसाइजें आप करेंगे, दिन में 3 बार करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आपके घुटने बिल्कुल काम करेंगे। ये लोगों में मिथ्या भावना है, लोग ऐसे ही बोलते होते हैं कि घुटने हमारे सर्जरी के बाद ख़राब हो जाते हैं या हमारे कामयाब नहीं होते। हर किसी सर्जन का लगाया हुआ घुटना कामयाब होता है, हम अगर उसके साथ प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेते हैं, फिजियोथेरेपी की गाइडेंस से चलते हैं, तो हमारे घुटने पूरे के पूरे कामयाब होते हैं। इसलिए इस चीज़ की कोई चिंता ना करें, ये एक्सरसाइजें करें।